ए, तो यहाँ से हो गया ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब सेकंड देखते हैं ए यूनियन ए बराबर, तो ए यूनियन ए बराबर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए से होगा या फिर एक्स ए से होगा, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है, तो और उस कंडीशन में इसको हम एक बार लिख सकते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, तो ए यूनियन ए बराबर भी हमारे पास ए आ गया। तो यहाँ से हम दोनों हमारे पास प्रूफ हो गए, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए एंड ए यूनियन ए बराबर ए। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन